মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলা শহর বর্ধমানের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পক্ষ থেকে বরোদা মেধাবী বিদ্যার্থী সম্মান সমারোহ অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দুজন পড়ুয়াকে 11,000 টাকা চেক দিয়ে সম্মান প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচিতে এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। লাইভমূলক দেশে আছি, তো আমি শাহনওয়াজ আনসারি আছি, আর আমি এজিএম আছি বর্ধমান ব্রাঞ্চে। আর বেসিক্যালি হাম তো হিন্দি ভাষী হ্যাঁ, আর হিন্দি হি মেরা পড়াই লিখাই জিতনা ভি হুয়া হিন্দি সে হ্যাঁ, ইসলিয়ে। আর এই যে হিন্দি কে লিয়ে আজ হাম লোগ ইয়াহ উপস্থিত হ্যাঁ, ব্যাংক অফ বরোদা 2006 সে মেগাওয়ী ছাত্র কা को पुरस्कार प्रदान करता है, जिसमें कि जो अंतिम वर्ष में जो पढ़ रहा है उसको 11,500 प्रथम पुरस्कार और 7,500 द्वितीय पुरस्कार देते हैं। हर साल 2006 से ये पूरे भारतवर्ष में विश्वविद्यालय में ये दिया जाता है। हमारे साथ हमारे हैं हिंदी राजभाषा अधिकारी हैं और एक कासा ऑफिसर मिस्टर शहनवाज हैं। तो आज हम लोग इसी क्रम में उपस्थित हुए हैं कि इन दो छात्रों को करें और साथ साथ कुछ उनको प्रशस्ति पत्र भी दें। अब रहा कि हिंदी की बात में, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि एक कहावत है संस्कृत में जिसको निज भाषा उन्नति के सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा उन्नति के कछु न उन्नति होए। मैंने इसका सारांश यह है कि अपना भाषा का उन्नति से ही सभी कुछ उन्नति होगा। अगर हमारे भाषा उन्नति नहीं करेगा तो कुछ उन्नति नहीं हो सकता है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो चूँकि हम अभी सी क्षेत्र में यानी कि गा क्षेत्र के रीजन में बैठे हुए हैं हम लोग, और ये देख करके बहुत हमको अच्छा लगा कि यहाँ भी काफ़ी 100 से ऊपर लोग यहाँ पर, जो कि मोस्टली मेरे ख्याल से बंगाली होंगे लेकिन हिंदी को भी अपना रहे हैं, ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। और आने वाले दिन में उम्मीद करते हैं कि और भी इसकी संख्या बढ़ेगी। जैसे कि मैडम बता रहे थे कि लॉ डिपार्टमेंट में भी हिंदी का कुछ इसका प्रसार हो रहा है और उसमें भी और छात्र बढ़ेंगे। और जहाँ तक मैडम ने कहा कि बंगला को क्यों नहीं, तो हमारा और भी एक प्रोग्राम होता है दूसरे से स्कूल में, जहाँ की सभी सभी चीज़ के लिए उसको हम लोग दिया जाता है पुरस्कार। ये चूँकि हम लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, तो यहाँ पर ये हमारा गाइडलाइंस जो है हमारा हेड ऑफिस के तरफ से, प्रधान कार्यालय के तरफ से, कि प्रथम और द्वितीय को दिया जाए, लेकिन बाकी छात्रों को बंगला भाषी को भी हमारा एक कार्यक्रम और होता है जो दूसरे दूसरे स्कूलों में होता है, लोअर माने मिडिल स्कूल हाई स्कूल में, जो कि पूरे चलते ही रहता है, ये जो हमारे रीजनल ऑफिस की तरफ से होता है। तो उम्मीद करते हैं, ये तो छोटा सा अमाउंट है 11,000 और 7,500, आने वाले दिनों में और इसको कुछ और प्रोत्साहन पत्र दूसरे लोगों को भी दिया जाएगा जो हिंदी के प्रचार आगे बढ़ने के लिए जाके हिंदी को ज़्यादा रुचि रख सके, इसको और भी करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी ध्यान रखेगा। किसका हमने कितने सारे छात्र छात्री को दे रहे हैं? दो आदमी को दे रहे हैं जो प्रथम और द्वितीय स्थान है पश्चिम बंगाल में है। और मतलब बहुत एक ये था हम लोगों के अंदर कि कभी ऐसा हो हमारे साथ, क्योंकि अपने सीनियर्स को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, उनसे उत्साहित और प्रोत्साहित हो रहे थे हम लोग। तो आज ये मतलब स्थान पाकर बहुत अच्छा लग रहा है और ये सम्मान पाकर बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। ये सम्मान मिला है तो अगली जो जीवन में जो आएगा उसमें आपको कैसा लगा? हाँ, ये एक सम्मान देना मतलब हम लोगों को आगे के लिए मोटिवेट करना रहता है। हम लोगों का मतलब मेन उद्देश्य यही रहता है कि वो हमें और अन्य छात्रों को भी मोटिवेट करें कि हम लोग आगे के मार्ग में, हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त हो और हम उसमें बहुत अच्छे से और ध्यानपूर्वक आगे बढ़ पाए। इस तरह सम्मान पहले कभी मिला है ना? हाँ, एक बार और मिला था, लेकिन उसमें ये पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, मतलब जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तो उस समय मुझे मिला था पंजाब नेशनल बैंक। फिर आज मिला? हाँ, फिर आज।
आपका फर्स्ट का फर्स्ट ईयर हुआ है। हाँ, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है आज। मतलब ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम लोग अपने पढ़ाई करने के साथ साथ जिस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते बहुत समय पर ऐसा होता है कि हम लोग मतलब ये हो जाते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। वैसे ही मेरे साथ कुछ ग्रेजुएशन में हुआ था। पढ़ते पढ़ते एक समय के बाद मैं नीचे, मेरी पढ़ाई की क्वालिटी ख़राब हो गई थी, लेकिन जब मैंने ये देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा इस तरीके की पहल कर रही है तो और हमारे सीनियर्स को ये पुरस्कार पाते हुए देखा, तो उस पुरस्कार पाने को देख कर मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे मैंने प्रयास किया और मैं आज इस पुरस्कार को प्राप्त किया। वर्धमान से पिंटू पटेल, रिपोर्ट, आनंद वार्ता।